कौन कहता है बेटियां बाप के कंधों पर बोझ होती हैं? बताइए, पापा जेल गए और पापा की परी बिजनेस संभालने चली आई। हमारा तो दिल भर आया। हम एमएलए ब्रिजभान सिंह प्रणाम करते हैं बिटिया के ससुराल वालों को। अंकल जी, यहां कैसे आना हुआ आज? अच्छा, पापा की बहुत याद आ रही होगी ना आपको? चिंता मत करिए, भूलेंगे नहीं आपको, वो भी और हम भी। तू बेटा एक सलाह दे रहे हैं हम तुम्हें, याद रखना, तुम्हारे काम आएगी। तुम अपनी गृहस्थी संभालो, यहां अपना टाइम नष्ट ना करो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। पापा तुम्हारे जब तक जेल से निकलेंगे ना, ये धंधा पानी सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। एमएलए हैं हम, जनता के सेवक, गलत लोगों को गलत धंधा करने नहीं देंगे हम। देखिए, जनता के सेवक ऐसे धमकी देकर बात नहीं करते हैं। आप आए हैं, चाय मंगवाते हैं, चाय पीजिए और जो भी गिले शिकवे हैं उसको सुलझा लीजिए। अम्मा, सुपारी काटो, पान बनाओ, हमें हमारा काम न सिखाओ। अंकल जी, दादी के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते, और डैडी की बेटी को मत सिखाइए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। थोड़ी दिन की बात है, पापा को बाहर आने दीजिए, फिर ये जो अकड़ की पकड़ है ना, खुद ब खुद ढीली पड़ जाएगी। बोलती बहुत अच्छा हो, बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, लेकिन धंधा बातों से नहीं चलता है, उसके लिए बाहुबल चाहिए, ताकत चाहिए, कमजोर पड़ जाओगी। देखते हैं, चलो। एमएलए ब्रिजभान सिंह, अंकल बोल के बेमतलब का चने के झाड़ पे चढ़ा दिया हमने आपको। सॉरी एमएलए सिंह, हमारी ताकत नापने में गच्चा खा गए आप। आपको अंदाजा नहीं है हमारी ताकत का। इन्हें देख रहे हैं, ये हमारा परिवार है, हमारी ताकत, हमारा भरोसा, हमारी हिम्मत है। आँच नहीं आने देगा हम पे, ढाल बन के खड़ा रहेगा हमारे साथ। हमारे हस्बैंड मनकामेश्वर मौर्य हमें कहते हैं हम बड़े जड़ीले हैं, एकदम जिद्दी। उन्होंने ही हमें हमारी ताकत का एहसास करवाया है।
आपके पीछे हैं। आपने अपनी औकात दिखा दी एमएलए सिंह, अब आप हमारी जिद देखेंगे। आपकी एकता और अखंडता बनी रहे, अभी तो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। चलो। सुनिए एमएलए साहब, एमएलए साहब जब भी आएंगे ऐसे ही हम लोगों को एक दूसरे का हाथ थामे हुए पाएंगे। शब्बाक है, अलविदा, जय श्री राम, जय हिंद। वाह बिटिया, अब सब एक साथ बोलो हुर्रा। एक बार और बोलेंगे हुर्रा। चलो चलो चलो, सब अपने काम पे लगो। तुम सही टाइम पे अपने आप अचानक कैसे आ गए? बस टैलेंट है, लेकिन हमने ना कभी घमंड नहीं किया। अच्छा, तो ये जो टैलेंट है ना, उसे उठाओ और 10th house में जाके लगाओ। विश्वास, जीडी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, और कुछ नहीं तो एक चुम्मा दे दे बाबा। लपड़ दूँ? अपने जीडी को लपड़ मारोगी तुम? डंग 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 डंग। वहां चले गए थे हमें अकेला छोड़ के, कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। ना फोन उठाते हो, ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। हम इतने ही बुरे हैं तो क्यों आए फिर हमसे मिलने? हम जा रहे हैं, तो तुमसे बात नहीं करते। अरे तुझे तो प्यार हो गया पगली। क्यों, तुम्हें नहीं हुआ? अरे प्यार ही तो हो गया था, तभी तुम्हारे भाइयों ने कहा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। हमने उन्हें कहा भी कि हम उनकी बहन से बहुत प्यार, और वो भी हमसे करती है, लेकिन हमारी तो किसी ने एक ही नहीं सुनी, इसलिए जाना पड़ा। उन्हें पूछना तो चाहिए था ना हमसे, ऐसे कैसे खुद से ही डिसाइड कर लिया उन्होंने। हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे मेरी जान, लेकिन अभी नहीं। क्या ना, अभी वक्त सही नहीं है, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होने देते, है ना। तुम्हें हम पे भरोसा है ना, तो बस साथ दो हमारा और देखते जाओ कि हम क्या करते हैं।
शिखा तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? चलिए भैया घर घर चलते हैं। हमने सवाल पूछा, जवाब ही नहीं दिया, चली गई। ओ चाचा, आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दो दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, कुछ खिला दे बाबा, दे दे, दे, दे। क्या करें, हमने भी खाया कुछ, इतना इतना। अरे बाबा दे दे बाबा, अरे बाबा मैं दूर रहे, अरे बाबा ये भिखारी दूर रहे, वहाँ पापा बैठेंगे, सुबह ले लेना उनसे पैसे, पता नहीं कहाँ से आया था बाबा। ए वहां मत जाना चाचा, वहां भिखारी है, कोई पकड़ेगा आपको, जाओ यहां से जाओ। छोड़ेंगे नहीं किसी को। हाँ बोलो। देश की बेटी गार्गी मौर्या का बॉयफ्रेंड मिल गया है, प्लान भी एक्टिवेट हो गया है। मनगामेश्वर, हमको लग रहा है हम टेंट हाउस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। कल से हम रोज टेंट हाउस भी जाएंगे। हाँ, और हमको ऐसा लगता है कि आप ना रात में टॉर्च लेके निकले कि भाई कोई टेंशन तो मिले परेशान होने के लिए। स्ट्रेस लेना बंद करिए, हमारी मानिए, टेंशन लेना बंद करिए और आराम से सो जाइए। मन्नू, गार्गी, दादी, दादी, ये इमरजेंसी अंकल। बेटा ये तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। गार्गी बिटिया, थोड़ा इधर आना। बिटिया, आप दोनों को मेरे साथ आना होगा। क्या बात हो गई भैया? नहीं नहीं माता जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए सोइए, आराम कीजिए, हम खुद इन दोनों को यहाँ छोड़ जाएंगे।
इसको ऐसे करना है। आ, आ। हम एकदम टूट से गए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारी जिंदगी अब किस मोड़ पे जाके रुकेगी, लेकिन फिर तुम आए। क्या बकवास है ये, हमें लिखना ही नहीं आता। दादाजी प्लीज हेल्प करिए ना, क्या लिखे। हमारी दादी ने अपनी हेल्प करना खुद सिखाया हमें, इसलिए जब आप इस घर में पहली बार आई थी ना, तो आपको पता पूरा टॉयलेट हमने खुद साफ किया था। उस दिन ना हमने 2 बोतल फिनाइल डाले थे बाथरूम में, वो क्या है ना कि टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया था और हम खुद भाग कर लेने गए थे। ये टॉयलेट क्लीनर और फिनाइल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, अब कुछ भी लिख रहे हैं हम, दोबारा लिख। हम मन कामेश्वर, अरे पता ही है ना हम ही है मन कामेश्वर। तो हमारी प्रिय गार्गी जी, मन कामेश्वर, आजादी सबका हक है, हमारी देश की यही तो खूबी है कि सबको अपनी बात कहने का हक है। उसी हक से मन कामेश्वर तुम आजाद हो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चुनने के लिए। बस हमें खुशी होगी कि तुम्हारी लाइफ में अगर हम भी तुम्हारे पार्टनर होंगे तो। गार्गी ठीक है, हमसे चाय नहीं पी जाएगी। नहीं भाई, नहीं चाय नहीं। खन्नू तुझे भी बनी बनाई चाय मिल रही है पहली बार। अरे राघव भैया बात सुनिए, यहाँ आसपास बाथरूम है क्या? प्रेशर बन गया क्या? हाँ बस ट्राई करें। अरे यार तुम सबके सामने बोले जा रही हो यार। जिया जी उधर कोने से लेफ्ट। वाह वाह जिया जी, जिया जी एक मिनट, हमको प्रेशर आ गया। नहीं जिया जी नहीं, जिया जी मैं नहीं आया प्रेशर, 3 दिन से प्रेशर नहीं आया जी। यार दीपू रुको यार, पहले हमको जाने दो। दीपू तुम्हें मम्मी की कसम लगे, दीपू को होम्योपैथिक की गोली से कुछ नहीं होता है, उसे चाहिए दिवाकर बाबू। दिवाकर बाबू से पहले जाने की आदत जो है उसे। हेलो हेलो, हम कह रहे थे कि वो आपने खाना खा लिया? नहीं वो अभी तो हमने टिफिन भी नहीं खोला। क्यों कुछ खास बनाया आपने आज? नहीं वो हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा नहीं अभी तो हमने खाना शुरू नहीं किया। वैसे आपने अपना बैग चेक किया क्या? बैग अब बैग में क्या है? नहीं नहीं कुछ है नहीं, मतलब वो बस ऐसे ही। तो बैग क्यों देखे?
तुम कुछ छिपा रहे हो ना हमसे मन कामेश्वर, बताओ हमें। अरे नहीं, छुपाना क्या, पैन कार्ड। सुबह से ना पैन कार्ड नहीं मिल रहा था हमारा, हम ऑफिस में भी ढूंढ रहे थे तो हमें लगा कि शायद आपके बैग में हो, आप एक बार चेक कर लीजिए ना, वही हो सकता ना मतलब गलती से आपके बैग में आ गया हो। ठीक है, खाना खा के देखते हैं। हाँ, अब हम कह रहे थे कि वो हम लोग सब एक साथ खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो अगर तुम फ्री हो और आ सकते हो तो सब एक साथ लंच कर लेते। और वो अपना टिफिन वाला बैग भी लेके आना, साथ में खा लेंगे लंच तो अच्छा रहेगा। ठीक है। रुकिए, कहाँ जा रहे हो? फोन करो। बिना पैसे के पत्ते भी नहीं हिलते हैं, चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से निकलो। हाँ हाँ बोलो। कार्की जी आई है। अरे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, आने दो उसे। चलिए। इमरजेंसी अंकल, हम खुद डील करना चाहते हैं उनके साथ, आप यहाँ ही रुकिए। बेटा ये रिजवान बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, जहरीला सांप है वो, हम डील कर लेंगे उसके साथ, प्लीज अंकल। बेटा तुम कैसे अकेले? अकेले नहीं, हमें अरे आओ आओ गार्गी बेटा, अरे गंगू, अरे यार देखो गार्गी बेटा पहली बार हमारे घर आई है, वो चिंगम उंगम निकालो, मुंह मीठा कराओ। बेटा शुगर लेती हो या शुगर फ्री मंगाओ? चीनी के लपेटने या ना लपेटने से जहर का असर बदल नहीं जाता एमएलए सिंह। जो गोलियां हमारे पापा के ऑफिस में चलवाई वो विद शुगर थी या शुगर फ्री? गोली, कौन सी गोली, किसने चलाई गोली? बेटा हम कमेटी बिठा देंगे कि किसने तुम्हारे साथ चुटकुला खेला है। चुटकुला तो आप सुना रहे हैं एमएलए सिंह, वैसे इससे ज्यादा हमें उम्मीद भी नहीं थी आपसे। हम एक बात बोल रहे हैं आज, कान खोल के सुनिए, अगर आज के बाद हमारी और हमारी फैमिली के ऊपर किसी ने आंख उठाकर भी देखा या जो भी ये कांड किया ना आज आपने, ऐसा फिर से दोहराया, हम भी डैडी कुशवाहा की बेटी हैं, सीधा नॉवल लिखेंगे आपकी ट्रेजेडी का, समझे? गार्गी, गार्गी बेटा, अरे सुनो तो बेटा, ये तेवर है ना, इसे संभाल के रख लो, ये तुम्हारे पति परमेश्वर और ससुराल वालों के सामने दिखाओगी तो तुम्हें साड़ी और गहने मिलेंगे, हमारे ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं होगा, और ये धंधा है, फिलहाल तुम्हारे बाप को हम अंदर तो करवा चुके हैं, जूतों से मारा था हमें, उसके जूते में छेद नहीं करवा दिया तो हम एमएलए पद से इस्तीफा दे देंगे, और ये जो तुम्हारे घर के आसपास आतिशबाजी हुई है जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, वो हमारा आदेश था, आदेश बदल भी सकता है, और अगली बार जब गोली चलेगी तो तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे माथे के बीचों बीच बिंदी की तरह से चिपकेगी। धमकी देगा, धमकी देगा, धमकी दे रहा है, गोली मारेगा, गोली मारेगा, तूने टारगेट हो, हमारी गाड़ी किसी को मारेगा तू, लगा हाथ, अबे हाथ लगाना, यहीं खड़े हम, लगा हाथ तू।
पत्नी है हमारी, प्यार करते हैं इनसे। अगर आग भी उठाई ना तो इतना गहरा गाड़ेंगे ना तुझे कि सातों जन्म यही गड़ा मिलेगा, समझा ना? समझा कि नहीं? काकी मनु, तुम दोनों ठीक तो है ना बेटा? ठीक है दादी। सब ठीक है दादी। दादी हम यही समझा रहे थे आप सबको, हमारी आदत है, हमने बचपन से ये सब देखा है, लेकिन आप सब, दादी हम अब एक बात बोले, आप लोग प्लीज इस बिजनेस से अलग हो जाइए। ये सब गुंडागर्दी गोलीबारी आप लोगों ने नहीं देखा कभी, हम जानते हैं आप सबको हमारी चिंता है, लेकिन हमें भी आप सबकी चिंता है। हम बहुत ज्यादा डर गए आज दादी, आप नहीं डरे पापा जी, आपको लगा बेटा झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत डर लगा था जब गोलियां चली ना, तो पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, दिमाग सुन्न पड़ गया था, क्योंकि हमने ये सब पहले कभी देखा नहीं था। और ये सही बात है कि हम लोग सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है, खींच तान के हम अपना गुजारा कर ही लेते हैं बेटा भगवान की कृपा से। हम वही कह रहे थे दादी, अब सब कुछ हो गया, हम यहाँ देख लेंगे, आप लोग प्लीज चले जाइए। दीपू भैया प्लीज प्लीज पापा जी प्लीज चले जाइए यहाँ से। गार्गी बेटा तुमने सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा, फैमिली है, सब लोग डरे हुए हैं, पर बेटा मिडिल क्लास फैमिली की बहुत बड़ी खूबी होती है, हर बात से डरे हुए रहते हैं, हर बात पे टेंशन, कोई अजीब सा काम हो, रिस्की काम करने में तो नानी याद आ जाती है, पर कोई मिडिल क्लास पर हमला करे ना तो मिडिल क्लास को एक अजीब सी ताकत आ जाती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं उस दुश्मन से लड़ने के लिए। रास के बाद अंदर से अब भी सब डरे हुए हैं, पर दुश्मन को घर में घुसने नहीं देंगे। सही कह रहे हैं पापा, हम कहीं नहीं जा रहे गार्गी, हम लोग तुम्हारे साथ। साथ पीड़ा उठाया था, साथ शुरू किया था और अब साथ ही खत्म करेंगे। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मनुलाल गार्गी को आंखों में आंखें डाल कदम से कदम मिला के चल तो दिए, इरादा तो इश्क वाले दरिया के पार जाने का ही है, पर मन्नू को स्विमिंग पूल में तैरना भी नहीं आता, इसके दरिया में कहीं डूब न जाए हमारा मनुलाल। मन कामेश्वर, आज तुम्हारे मुंह से सुन के अच्छा लगा। अच्छा मुंह डिलीट डिलीट डिलीट।
मन का मेश्वर हमें भी लगता है हम तुमसे प्यार डिलीट 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 क्या नॉनसेंस लिख रहे हैं हम दादाजी मन कामेश्वर ने इतने इंटेंसिटी के साथ बोला था ना कि हम कार्गी जी से प्यार करते हैं और हम एक मैसेज भी नहीं लिख पा रहे क्या करें दादाजी बताइए ना ये मैसेज क्या होता है बेटा दादाजी जी तेरा तुम्हें पता है हमने कोई मैसेज नहीं किया था जाके सीधा बोल दिया था बेबी को कि बेबी आई लव यू पर आप लोग ना बड़े हिम्मत वाले लोग हो हमसे तो मैसेज भी नहीं हो रहा है दादाजी हमसे जब सच बोलो हमें जब से सच पता चला है ना कि हम दादाजी घूम जाओ ना थोड़ा सा उस तरफ थोड़ा सा और हाँ हमें जब से पता चला है ना कि हम प्यार करते हैं मन कामेश्वर से हम मैसेज करेंगे बोल नहीं पाएंगे हम कैसे बोलना है बोलो पर बोल दो बोलो पक्का दादा जी पक्का मैसेज कर दे मैसेज करके बोले मतलब एक ही बात है हम भेज रहे हैं ये मैसेज डियर मन कामेश्वर तुमने आज कहा कि तुम हमसे प्यार करते हो आई लव यू टू हमने भेज दिया हमें आपसे बात करनी है क्या हुआ सब सब ठीक है ना लगता है मन कामेश्वर घर आ गया मेरा मैसेज पढ़ा होगा कि नहीं हमें बताइए कि गजोधर कहाँ है गजोधर क्यों क्यों क्या 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 हुआ कहां भेजा है आपने उसको बताइए ना कहां है गजोधर कहां भेजा है आप लोगों ने उसे पर हुआ क्या तू क्यों पूछ रही है तेरा क्या लेना देना गजोधर से कोई फोन वोन आया था क्या तेरे पास बच्ची नहीं है हम बड़े हो गए हैं अब छुपा रहे हैं ना आप हमसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है तू ना बात समझ कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं अगर बताने लायक होता ना तो हम जरूर बताते नहीं बताते आप भी ना दीपू भैया जैसे हो गए हो
आपके मन में कुछ है? पता नहीं हम तुम्हें कैसे देना भूल गए ये। क्या देने भूल गए? ये क्या है? उस रात पापा ने दिया हमें। वो बोल रहे थे बहुत लकी है उनके लिए। अभी तो वो जेल में है तो उनने कहा हम तुम्हें दे दे, क्या पता कहीं जरूरत आ जाए। नहीं पहनना। नहीं, गार्गे जी नहीं, वो पहनेंगे। गार्गी जी आप तो हर वक्त गुस्से में ही फनाई हुई रहती हैं, मतलब। अरे हम गुस्से में नहीं है, वो विश्वास और शिखा के बारे में। हमें बताइए कि गजोधर कहाँ है, छुपा रहे हैं ना आप हमसे कुछ? ठीक है, अगर आप गुस्सा नहीं है तो आप अपने हाथों से ये हमें पहनाइए। ठीक है, हम समझ गए कि आप हमसे गुस्सा ही हैं। कोई बात नहीं, हम खुद पहन लेंगे। सुनो, हमें गुदगुदी होती है हमें। तुम्हारी शादी ना गलती से हो गई, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, मतलब शादी के लायक नहीं हुई हो अभी तो। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है टूटी फूटी। हाँ। लड़की जब छूती है तो तुम्हें गुदगुदी होती है, और तुम वेट कर रहे हो कि जल्दी से कमरा खाली हो जाए और तुम दादी की लोरियां सुन पाओ। पर हमारी दादी ना सच में बहुत अच्छी लोरियां सुनाती है। हाँ, हमने सुनी है ना बचपन से। आपने नहीं सुनी ना, आप एक बार सुन के देखिएगा। आप हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। वो क्या कहा हमने? अरे शिखा, क्या बना रही हो? आज एक साथ नाश्ता बनाए? पता है हम जब छोटे थे ना तो पापा हमारे लिए एक सैंडविच बनाते थे, बहुत यम्मी होता था, वो बनाते हैं आज। मन्नू भैया ने भेजा ना आपको हमसे बात करने के लिए? सबको लगता है कि हम बच्चे हैं, कुछ भी बोल के हमारा मन बहला लेंगे, बट हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। बिल्कुल सही, तुम बच्ची नहीं हो पर सबकी लाडली तो हो ना। अब घर में तुम सबसे छोटी हो इसलिए तुम बच्ची ही रहोगी सबके लिए। अच्छा एक बात बताओ, विश्वास का फोन आया था क्या? कुछ बोला उसने? क्या फर्क पड़ता है शिखा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें कभी भी हमारे साथ कुछ शेयर करना है तो तुम शेयर कर सकती हो। आप सच बताएंगी क्यों गया वो यहाँ से? आगे की पढ़ाई करने। थैंक यू, यही सुनना था हमें। ये इतनी टेंस्ड क्यों है? क्या बात हुई होगी इसकी विश्वास से? अरे यार नहीं करनी ना अभी बात। हेलो, बार बार फोन करें तो कोई जरूरी बात होगी ना। गलती से कट गया था, पता नहीं क्या हो गया, फोन को खराब हो गया शायद। यहाँ ना हमें सब बेवकूफ समझते। अरे सच बोल रहे हैं यार। अरे हम तुम्हारी नहीं,
बाकी फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं। हमने तो डायरेक्टली पूछ लिया भाभी और मन्नू भैया से कि बताओ क्यों गया गजोदर यहाँ से, अचानक गायब हो गया वो घर से। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमने तुमसे कहा था ना अभी किसी से कुछ नहीं पूछना है, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? तुम भी ना हम पे ही चिल्लाओ, हम बेवकूफ हैं, सारी गलती हमारी है। नहीं डार्लिंग, हम वो नहीं कह रहे थे। देखो अभी ना हम लेट हो रहे हैं, कहीं पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। एक बार हम काम खत्म कर लेते फिर तुम्हें कॉल करते, ठीक है? चल लव यू, ओके बाय 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 बाय। हेलो बदमाश, ये गजोधर भी ना हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अपनी लाइफ में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।